स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम करने वाले डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिप वेलोसिटी, या फिर इसी टॉपिक का एक और नाम है, दैट इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ये दोनों एक ही चीज़ है। अब बेसिकली ओम सर ने जो लॉ बताया, क्या वो लॉ हमें पहले से ही पता था, हमने कभी गौर नहीं किया? तो हमें उस चीज़ को जानना है, तो इसके लिए हम एकदम बेसिक शुरू करेंगे। जैसे कि हमने ड्रिप वेलोसिटी और करंट का एक रिलेशन निकाला था, तो वही से हम इसको ड्राइव करना चाहते हैं। डन। तो उसके लिए सेम वही लेटेस्ट कंसिडरेशन पार्ट लेना है, तो ले लेते फटाफट। लेटेस्ट कंसिडर अ कंडक्टर, लेटेस्ट कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए बराबर विथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना था, कितना लिया था हमने, एन लिया था ना, ये सब हमने लिया था। तो वही सेम कंसिडरेशन यहाँ पे ले रहे हैं, तो बना लेते फिर से वही चीज़ को। ये मैंने कुछ बनाया। डन। तो इस केस में एन फिर क्या था? अच्छा, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, हमारा लेंथ एल है। डन। व्हेन पोटेंशियल वी इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, जब पोटेंशियल वी हमने अप्लाई किया था अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। डन। तो पोटेंशियल वी अप्लाई किया था, देन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स। तो यहाँ से हमारा करंट फ्लो होने वाला है। हमने बेसिकली पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को मानना है, इस बार पहले ही बता चुका हूँ मैं। ए नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इस तरफ फ्लो होने वाले। डन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरफ में आ रहा है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है? देखो यार, तो वो सब छोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स, ये बातें क्लियर है, डेवलप्स एंड करंट थ्रू द कंडक्टर। हमने निकाला था डेरिवेशन ऑलरेडी, करंट थ्रू द कंडक्टर क्या था हमारा, आई इज इक्वल टू माइनस एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बातें क्लियर है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ए नेगेटिव किस लिए आया था, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से। इस बार पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे हो, तो पॉजिटिव ले लो यहाँ पे। ये बातें क्लियर है, यहाँ तक डन है। ऑल्सो ऑल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाला था, कितना आया था, माइनस ई ई टाउ अपॉन एम आया था। नेगेटिव चार्ज क्यों आया था, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं मानते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का प्लस में आएगा। ये बातें क्लियर है, ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देयरफॉर क्या हम आई को लिख सकते हैं अभी, क्या हम अभी आई को लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए ड्रिप वेलोसिटी की जगह हम इस टर्म को डाल दो, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ये बातें क्लियर है, तो यहाँ से आई कितना आ चुका है हमारे पास, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम। हमने यहाँ पोटेंशियल लगाया, तो पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है, वी ऑल्सो नो कि dV/dr इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये नेगेटिव में होता है। क्यों, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर तुमको याद हो तो मैं क्या कर रहा था, एक पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहा था, उसके अगेंस्ट में मूव करवा रहा था, इसीलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कम आया, नेगेटिव आ रहा था। बेसिकली नेगेटिव क्यों आ रहा था, अभी पहले मैं यहाँ पे था, अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो मूव करने पे नेगेटिव आ रहा था। सारा फंडा हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, तो ऑपोजिट में मूव करवा रहा था, नेगेटिव में आ रहा है। इस बार पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव हो रहा है, देखो एक सोर्स चार्ज था, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, मैं इस टेस्ट चार्ज को इस तरफ ऑपोजिट में मूव करवा रहा था, तो नेगेटिव में आया था। इस बार क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। दैट इज dV/dr क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इस केस में अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज भी मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट आ रहा है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना लगाया मैंने, वी लगाया,
कितना लेंथ तक लगा, यहाँ से लेके इस लेंथ तक लगा, इजिकल टू ई आ रहा है, तो ई इजिकल टू वी बाई एल लिखा जा सकता है, तो लिखते सो आई इजिकल टू एन ई स्क्वायर ए, यहाँ पे टाउ ए लिख दिया मैंने एम, ई के जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, वी बाई एल, दैट इज वी बाई एल। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया था, ओम्स ने क्या बताया था, करंट बढ़ाओ तो ए, पोटेंशियल बढ़ाओ तो करंट बढ़ेगा, ये सर ने बताया था, डन है। तो यहाँ से अगर मैं इसको और थोड़ा बढ़िया से देखूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, आई इजिकल टू एन ई स्क्वायर ए टॉ डिवाइडेड बाई एम इंटू एल लिख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे एक वी। तो बेसिकली हमें रेशियो निकालना है वी बाई आई का, क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ के अनुसार वी बाई, देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इजिकल टू आई आर कहता है, या फिर वी बाई आई इजिकल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट मतलब आर होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो इसी चीज़ को हम निकालना चाहते हैं भाई दबे यहाँ पे, ठीक है। तो वी बाई आई निकालना है, तो वी हमारे पास यहाँ आ चुका है, आई यहाँ आ चुका है, तो आई को यहाँ भेज दूंगा, एम एल को वहाँ भेज दूंगा, दैट इज़ एम एल उस तरफ भेज दिया, वी यहाँ पे था, आई को मैंने इस तरफ ले लिया, नीचे आ गया, एन ई स्क्वायर क्या जाएगा, नीचे जाने वाला है, एन ई स्क्वायर ए टॉप, यहाँ तक बातें क्लियर है। एम क्या है, मास, एस मास ऑफ चार्ज कांस्टेंट, एक बार एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जितने हैं उतने मूव करने वाले, फ्री इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने मूव करने वाले, इलेक्ट्रॉन के चार्जेस मतलब चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो कांस्टेंट है, एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल कांस्टेंट होता है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ के जैसा ही कर रहा है, तो बाहर का फिजिकल जो भी आपका एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटीज है जैसे प्रेशर टेम्परेचर उसे कांस्टेंट रखा गया है। देयरफोर एज एम एल एन ई स्क्वायर ए टॉ, ए क्या है, सारे कांस्टेंट है, जैसे ऊपर मान लो 3 4, नीचे 5 6 9 10, सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे निकल के क्या आएगा, एक कांस्टेंट निकल के आएगा, वो भी एक कांस्टेंट 6 7 कुछ एक निकल के आएगा। सो वी बाई आई इजिकल टू आर, ए क्या है, इम्प्लाइज वी इजिकल टू आर इंटू आई, ए क्या है तुम्हारा, ओम्स लॉ, एंड दिस इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, तो हैंस प्रूफ्ड। तो हमने ओम्स लॉ को प्रूफ कर दिया, बेसिकली ये चीज़ पहले से था लेकिन हमने ऑब्जर्व नहीं किया था, ओम्स ने हमें बताया तो फिर हमने बाद में वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ ऐसा सच में होता है, तो ये बातें हमें समझ आ गया, डन है। तो ये है बेसिकली आपका डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डन, ABS का एक नाम हो गया इस टॉपिक का। अब देखो बेसिकली क्वेश्चन में तुमसे जो रिक्वायरमेंट में पूछने वाला है ना, आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद समझना होगा कि क्या बोल रहा है, अगर वो आपको प्रूफ करने बोल रहा है तो आपको यही प्रूफ करना है, डन है। अगर सिंपली पूछ रहा है कि ओम्स लॉ क्या है बताओ, तो बता दो पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ता है, अगर हम एक्सटर्नल सारे एक्सटर्नल जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उन्हें अगर कांस्टेंट कर दे तो, डन, अगर ऐसा कुछ प्रूफ पूछता है तो ऐसा प्रूफ कर देना। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।